हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट साइंस फर्स्ट स्टैंडर्ड 1 चैप्टर 9। आवर चैप्टर नेम इज गुड हैबिट्स। ओके, तो इन दिस चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, गुड हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे, अपने डेली लाइफ के गुड हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम लोग फिट एंड हेल्दी रह सके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर clean and healthy. This is our first topic in this chapter, clean and healthy. Okay, we must keep ourselves clean and healthy. हम लोग को हमारी बॉडी को अपने बॉडी को अपने आप को हमेशा क्लीन एंड क्या रखना चाहिए, हेल्दी रखना चाहिए। ठीक है, जब हम लोग प्ले ग्राउंड में प्ले करने जाते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे डस्ट जर्म्स हमारे बॉडी पे आ जाते हैं। ठीक है, और स्वीट निकलने लगती है। ठीक है ना, जब हम लोग रनिंग नहीं करते हैं खेलते हैं तो स्वीट निकलती है, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी डर्टी हो जाती है। तो उसको क्या करना चाहिए, हम लोग को क्लीन करना चाहिए बाथिंग के थ्रू, सोप के थ्रू। जब सोप लगाते हैं हम लोग, है ना, सोप लगाएंगे बात करेंगे तो क्या होगा कि हमारी बॉडी से जो डस्ट है स्वीट है वो रिमूव हो जाएगा और क्लीन नीट एंड क्लीन टॉवल का यूज किया जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी क्लीन हो जाए। ठीक है, इससे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। उसके बाद क्या है कि हम लोग वॉश करेंगे अपने हैंड को बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर ईटिंग। ठीक है ना, हम लोग यानी कि खाने से पहले और खाने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि अपने हैंड्स को वॉश जरूर करेंगे। ठीक है ना, नहीं तो क्या होगा कि हमारे हाथों में जो डॉट होगा वो डॉट जो है वो हमारे बॉडी में इंटर कर जाएगा, जिससे कि हम सिक हो जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे, हम अनहेल्दी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपने नेल को ट्रिम करना है ना, नेल को टाइम टू टाइम ट्रिम किया जाता है नेल कटर से, ये भी एक क्या है, गुड हैबिट्स है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि माउथ में जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है कि स्मॉल स्मॉल जो बाइट्स होते हैं उसमें क्या होता है, छोटे छोटे बाइट्स वो हमारे टीथ के गैपिंग में फंस जाते हैं, जिसको क्या किया जाता है कि रिमूव करना बहुत जरूरी, नहीं तो हमारे क्या करेंगे वो स्पॉइल कर देंगे, हमारे टीथ को डैमेज कर देंगे, है ना। वो छोटे छोटे जो फूड आइटम्स होते हैं वो बाइट्स में फंस जाते हैं, जिसको ब्रश किया जाता है। तो टू टाइम्स, है ना, टू टाइम्स ब्रश किया जाता है, एक मॉर्निंग में एक नाइट में, है ना, सोने से पहले एक उठने के बाद, ये टू टाइम ब्रशिंग किया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे दांतों में जो बाइट्स फंस जाते हैं उन बाइट्स को निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, जिससे हमारी टीथ हेल्दी हो जाती है। ठीक है, तो वी मस्ट कीप आवर टीथ क्लीन एंड हेल्दी। ठीक है, उसके बाद जो है रिंस किया जाता है, खाने के बाद क्या होता है कि वाटर को वाटर मुंह में लेकर के रिंस किया जाता है, उसको क्या कहता है, रिंस किया जाता है, जिससे कि जितने भी जो छोटे मोटे फूड आइटम्स होते हैं या फिर जो भी उसमें वेस्ट होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि हमारा जो टीथ है, हमारा माउथ है वो हेल्दी रहेगा। उसके बाद अपने आईज की, है ना, प्रॉपर हम लोग देखभाल करते हैं, है ना, आईज को, नोज की, ईयर की हम लोग प्रॉपर क्लीनिंग करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ये भी हमारा गुड हैबिट्स है, जिसके वजह से क्या होगा कि हम हेल्दी रह सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये था हमारा इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, क्लीन एंड हेल्दी। और क्लीन और हेल्दी हम लोग कह सकते हैं जब हम क्लीन रहेंगे तभी हेल्दी हो सकते हैं। तो हमारे बॉडी पार्ट जो है उनको हम लोग को बात करना चाहिए, है ना, हमेशा टाइम टू टाइम बात करना चाहिए, इससे हमारी बॉडी नीट एंड क्लीन होगी। अपने टीथ का ध्यान रखना चाहिए, अपने आईज का, अपने नोज का, अपने ईयर का, है ना, अपने हेयर का, हमने अपने पूरे होल बॉडी का हम लोग को केयर करना चाहिए, जिससे क्या हो गया हम लोग फिट एंड हेल्दी रह सकते हैं, अपने क्लीन रखना चाहिए अपनी बॉडी को। सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज कीप योरसेल्फ क्लीन। ठीक है, अपने आप को क्लीन हम लोग कैसे रखेंगे, ठीक है, अपने आप को क्लीन रखना हम लोग को, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ईट फ्रॉम योर ओन प्लेट, है ना, अपने ओन प्लेट में जब हम ईटिंग करते हैं तो अपने ओन प्लेट में हम लोग को खाना चाहिए। ठीक है, किसी दूसरे के प्लेट को यूज नहीं करना चाहिए, ये एक गुड हैबिट्स है, जिससे हम लोग अपने आप को क्लीन रख सकते हैं, है ना, क्लीन योरसेल्फ। दूसरा है ड्रिंक फ्रॉम योर ओन ग्लास, अपने ओन ग्लास में, ओन ग्लास का मतलब अपने खुद के ग्लास में हम लोग को वाटर ड्रिंक करना चाहिए। उसके बाद आता है व्हेन यू कॉफ और स्नीज कवर योर माउथ एंड योर नोज विथ हैंकी। जब हम लोग को कफ होता है यानी कि खांसी आती है या फिर स्नीज यानी कि छींक आती है, है ना, सर्दी आती है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, कफ एंड स्नीज के टाइम हम लोग को अपने माउथ, कफ के टाइम अपने माउथ और स्नीज के टाइम अपने नोज को किसके थ्रू, हैंकी के थ्रू, है ना, हैंकी के हेल्प से हम क्या करना चाहिए, अपने माउथ और नोज को कवर कर लेना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों में इन्फेक्शन ना फैल सके, है ना। तो ये क्या है, गुड हैबिट्स है।
उसके बाद डू नॉट बाइट योर नेल्स, अपने नेल्स को बाइट नहीं करना चाहिए। जैसे कि आमतौर पर दिखाया जाता है बहुत लोग ऐसे करते हैं कि अपने नेल्स को बाइट करने लगते हैं, तो ये एक बैड हैबिट है। क्यों? इससे हम लोग बीमार पड़ सकते हैं क्योंकि नेल्स के अंदर बहुत सारे डर्ट जर्म्स वगैरह अंदर में फंस जाते हैं, है ना, ड्यूरिंग प्लेइंग, है ना, ड्यूरिंग वर्किंग। इस टाइम क्या होता है कि हमारे नेल्स के अंदर जर्म्स इंटर कर जाते हैं और वो अंदर में सेफ रहते हैं। जैसे हम उसको बाइट करेंगे तो क्या होगा, हमारे मुंह में चला जाएगा, माउथ में चला जाएगा और हमारे बॉडी में इंटर कर जाएगा, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारी हो जाएगी, बहुत सारी, है ना, बीमारी डिजीज हो सकती है। तो इसीलिए डू नॉट बाइट योर नेल्स। अब आ रहा है ब्रश योर टीथ 2 times इन अ डे, दो टाइम डे में, एक डे में 2 times ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग में उठने के बाद, स्लीपिंग आफ्टर स्लीपिंग, है ना, जब हम लोग सो के उठते हैं उसके बाद, एंड बिफोर स्लीपिंग, जब हम लोग सोने से पहले नाइट में क्या करना चाहिए, मॉर्निंग एंड नाइट 2 times ब्रशिंग करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारी टीथ जो है वो टीथ हेल्दी रहेंगे, है ना, क्योंकि टीथ में बहुत सारी कीटाणु जर्म्स वगैरह फंस जाते हैं, फूड बाइट्स जो है अंदर में फंस जाते हैं, तो उसको रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सब कुछ गुड हैबिट्स हैं जिनको फॉलो करके हम लोग अपने आप को क्या कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं, है ना, क्लीन रख सकते हैं, हेल्दी अपने आप को बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो वी मस्ट फॉलो दीज रूल्स, है ना, एंड दीज गुड हैबिट्स। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कीप योर हाउस क्लीन। सो तो हमारे आसपास में जितने भी इन्वायरमेंट हैं, ठीक है, नेबरिंग इन्वायरमेंट प्लेसेस हैं और हमारे हाउसेज हैं, उन सबको भी क्लीन रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे बॉडी के हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। जब अपने बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखना चाहते हैं तो हम अपने हाउस को भी हेल्दी रखना पड़ेगा, क्लीन रखना पड़ेगा, ठीक है, अपने नेबरिंग प्लेसेज जो है उनको भी क्लीन एंड नीट रखना पड़ेगा। तो सो स्टूडेंट्स, तो आइए हम देखेंगे कुछ यहाँ पर पॉइंट्स जिससे कि हम अपने हाउस को क्लीन कैसे करेंगे, है ना, कौन कौन सी आइटम्स को फॉलो करेंगे तो हम लोग यहाँ पर अपने हाउस को क्लीन रख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, वी ऑल लव टू प्ले, हम सभी को खेलना बहुत पसंद है, हाँ, सभी को खेलना पसंद है, बट हम लोग खेल करके क्या करते हैं कि जो टॉयज़ हैं, जो टॉयज़ है वहीं पर हम लोग बिखेर देते हैं, ठीक है, इट्स अ बैड हैबिट। तो आफ्टर प्लेइंग पुट अवे योर टॉयज़, है ना, अब खेलने के बाद जो है वो हम अपने जो टॉयज़ हैं उनको सही प्लेसेस पर जाकर के रख दें, ना, उनको अपने से दूर हटा करके रख दें कहीं पर, ठीक है, तो ये एक गुड हैबिट है। उसके बाद कीप योर बुक्स इन देयर राइट प्लेस, पढ़ने के बाद जब हम लोग स्टडी करते हैं स्टडी में, तो उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी हम लोग ऐसा भी करते हैं कि बुक्स को वहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है, ये एक बैड हैबिट है जिससे कि हाउस क्लीन नहीं हो पाएगी। तो हाउस क्लीन करने का सही मेथड क्या है कि जब हम अपने बुक्स को पढ़ लें तो उनके राइट प्लेस पर, ठीक है, जहाँ पर ये बुक्स रखे जाते हैं उनके राइट प्लेस पर इनको हम लोग को रख देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है थ्रो यूज बिट्स ऑफ पेपर एंड अदर वेस्ट इन टू डस्टबिन, जितने भी बिट्स ऑफ पेपर होते हैं, वेस्ट पेपर होते हैं या फिर अदर जो वेस्टेज होते हैं, है ना, जैसे हम लोग शार्पनर से पेंसिल्स को शार्प करते हैं, वो सब वेस्ट हैं, जो भी वेस्टेज हैं इरेज करते हैं इरेजर से, तो उसके जो वेस्ट निकलते हैं, तो या फिर पेपर वेस्ट हैं, इन सबको कहाँ फेंकना चाहिए, डस्टबिन फेंकना चाहिए, ना कि इधर उधर फेंकना चाहिए हाउस में कहीं भी, ठीक है। तो अपने हाउस को क्लीन करना हमारे हाथों में है, तो उसको हम लोग डस्टबिन में हम लोग क्या करेंगे, उसको फेंकना चाहिए। तो ये क्या है, एक गुड हैबिट है हाउस को क्लीन रखने का। उसके बाद आते हैं डू नॉट राइट और ड्रॉ ऑन वॉल्स, वॉल्स पर देखिए हम लोग घर में जो वॉल्स होते हैं वो पेंटिंग होते हैं, कितने अच्छे लगते हैं पेंटिंग, है ना, लेकिन अगर क्या करते हैं कि छोटे बच्चे जो क्या करते हैं कि वो उन पर ड्रॉइंग करने लगते हैं वॉल्स पर, या फिर उस पर कुछ भी लेकर के ड्रॉ करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे हाउस डर्टी लगने लगता है, हमारे वॉल्स जो है वो डर्टी दिखने लगते हैं, तो ये भी एक बैड हैबिट है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, डू नॉट राइट ऑन और ड्रॉ ऑन वॉल, वॉल पर कोई चीज लिखना नहीं चाहिए और ना ही कोई चीज ड्रॉ करना चाहिए ड्राइंग, ठीक है। उसके बाद टर्न ऑफ टैप एंड शोवर, जब आफ्टर यूजिंग, जब हम लोग यूज खत्म हो चुका है बाथिंग आफ्टर बाथिंग, ठीक है, तो हम लोग को टैप को बंद कर देना चाहिए और शोवर को बंद कर देना चाहिए, जिससे कि वेस्ट ऑफ वाटर ना हो सकता है, है ना, वेस्ट ऑफ वाटर से हम लोग बच सकते हैं और हाउस भी क्लीन रहेगा हमारा। नेक्स्ट हमारा है फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज, जब हम लोग टॉयलेट में यूज कर लेते हैं टॉयलेट को, तो उसके बाद फ्लश कर देना चाहिए टॉयलेट को, ठीक है, जिससे क्या होता है कि उसमें क्लीनिंग जो है उसका क्लीनिंग हो जाता है, उसमें जो भी डर्ट है वो सब, है ना, वेस्ट है वो सब खत्म हो जाता है। तो ये सब था हमारा गुड हैबिट्स, ठीक है। तो गुड हैबिट्स हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा कि कैसे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, अपने बॉडी को कैसे हम नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, क्योंकि हमारे ये चैप्टर ही है गुड हैबिट्स। तो कौन कौन से गुड हैबिट्स, सबसे पहले अपनी बॉडी को क्लीन करना, क्योंकि
प्लेइंग सभी करते हैं, रनिंग सभी करते हैं, हर कोई लगभग हर बार वर्क तो करना ही है, तो डर्ट भी लगेगा, हम लोग गंदा भी होंगे, है ना, डर्टी भी होंगे, तो उस डर्ट को क्लीन करना है, तभी हम अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं। तो उसके लिए कुछ गुड हैबिट्स होती हैं, ठीक है, प्रॉपर हैबिट्स होती हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। तो यही इस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि कौन कौन सी गुड हैबिट्स हैं, अपने बॉडी को कैसे क्लीन रख सकते हैं, है ना, क्या क्या कौन कौन सी हैबिट्स को फॉलो कर सकते हैं, गुड हैबिट्स को, जिससे हम अपने आप को, हमारी बॉडी को नीट एंड क्लीन रख सके स्टूडेंट्स। उसके बाद हम हाउस को कैसे क्लीन करेंगे, है ना, हाउस को, अपने नेबरिंग प्लेसेस को कैसे क्लीन करेंगे, ये सब चीजें हमने यहाँ पर इस चैप्टर में सीखे कि किस तरीके से हम लोग अपने घरों को, अपने आप को, अपने बॉडी को, अपने एनवायरमेंट को किस तरीके से हम लोग नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, जो कि गुड हैबिट्स हैं ये सब, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी जितने भी गुड हैबिट्स हमने समझाया है, आप लोग इसको फॉलो करेंगे और अच्छे से आपको समझ में भी आ चुका होगा। सो स्टूडेंट, वी मस्ट फॉलो गुड हैबिट्स इन आवर लाइफ, ठीक है, तो हम लोग को फॉलो करना चाहिए गुड हैबिट्स को अपने लाइफ में, ताकि हम लोग नीट एंड क्लीन एंड हेल्दी रख सकें अपने आप को। सो स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।